हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यू एन ए यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस अमेजोन अफिलिएट वेबसाइट सीरीज। सो गाइस, जो पहली इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताई थी, उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था आप लोगों के सजेशंस, तो काफ़ी बढ़िया उस पर रिस्पॉन्स मिला था। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने स्किप कर दी थी, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया कि भाई हमें अपनी वेबसाइट को, जो अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट है, उसे ब्लॉगर पर बनाना चाहिए कि वर्डप्रेस पर बनाना चाहिए। तो उसी को देखते हुए मैंने ये चीज़ भी इंक्लूड करी है इसमें। और आज की इस वीडियो में आपको वही बताऊँगा कि अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट को ब्लॉगर पर बनाने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या नुकसान है, और वर्डप्रेस पर अगर आप बनाते हो तो उसके क्या फ़ायदे, क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। सो और अगर आप जानना चाहते हो कि किस पर बनाने पे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको अमेजिंग वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल पाए। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। सो गाइस, सीधा हमारे टॉपिक पर चलते हैं कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस पर क्या नुकसान है। और उससे पहले, अगर आपने इससे पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक, पूरी सीरीज का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं पूरी सीरीज के, बिगनर से लेके स्टार्टिंग के पार्ट। अब यहाँ पर दोस्तों, एक चीज मैं क्लियरली बता दूं कि ब्लॉगर पे अगर आप एक तरफ से एडसेंस की वेबसाइट बना रहे हो तो एक बार वो चल सकती है, बट मैं बिल्कुल भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप कोई भी एफिलेट, अमेजोन एफिलेट नहीं, कोई भी एफिलेट वेबसाइट बना रहे हो तो वो ब्लॉगर पर बनाओ। उसके रीज़न कुछ ये मेरे पास 7-8 मेन रीज़न जो मैंने नोट डाउन करे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी ये एक वेबसाइट है, जैसे एक वेब 2.0 वेबसाइट है जो मैंने ब्लॉगर पर बना रखी है, और अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट तो नहीं है बट नॉर्मल वेबसाइट है ब्लॉगर की, तो इसको हम कंपेयर करेंगे वर्डप्रेस की कुछ अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट से। सो यहाँ पर अगर आप देखो, ये एक पोस्ट है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज मैं कह सकता हूँ, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, ब्लॉगर विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। जी हाँ गाइज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो चीज़ आप वर्डप्रेस में एक दिन में कर लोगे, वही चीज़ आपको ब्लॉगर में करने में यहाँ पर 2 से 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ब्लॉगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंटेंट राइटिंग की, या फिर कैसे राइट करना है ब्लॉगर में, उसमें आपको अगर आप ब्लॉगर का लेआउट देखोगे, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, तो बहुत ही सिंपल सा लेआउट है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं मिलते। वही अगर आपको वर्डप्रेस यूज़ कर रहे होगे तो आपको वर्डप्रेस में पता है कितने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं जिनसे आप इजीली कर सकते हो। और अगर वही मैं बात करूँ, अगर आपको वर्डप्रेस में प्लगइन्स मिलते हैं, योस्ट एसईओ, रैंकमैथ, जिनसे आप अपना ऑन पेज एसईओ कर सकते हो, वही अगर मैं यहाँ पर ब्लॉगर में बात करूं तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती। वो सारी चीज़ें आपको मैन्युअली एक एक बार देखना पड़ेगा कि मेरा फोकस कीवर्ड टाइटल में आया है, डिस्क्रिप्शन में आया है, नहीं आया, मैंने इमेजेस यूज़ करी है नहीं करी, ऑल टैग यूज़ करे नहीं करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सबसे मेन डिसएडवांटेज ब्लॉगर का आप यही मान सकते हो कि जो चीज़ आपको ब्लॉगर में, मतलब आपका टाइम यहाँ पर बहुत जाने वाला है, जो चीज़ आप ब्लॉगर में 10 दिन में करोगे, वही चीज़ आप वर्डप्रेस में सिर्फ 5 दिन में या फिर 2 दिन में ऐसे कर सकते हो। दूसरा डिसएडवांटेज अगर मैं बताऊं ब्लॉगर का, रिक्वायर्ड कोडिंग नॉलेज। सो अगर यहाँ पर देखो, ब्लॉगर, जैसा कि मैंने बताया, ब्लॉगर बहुत लिमिटेड है। अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है, पहली बात तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते आपको एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। बट अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको कोडिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट ओपन करके रखी है। अब देखो, ये जो पोस्ट है पर्टिकुलरली कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। सपोज आपकी यही वेबसाइट ब्लॉगर पर है, तो देखो इस टाइप का ये जो है इफेक्ट डालने में, इस टाइप का बटन डालने में, इस टाइप का टेबल बनाने में। अब ब्लॉगर की आप बात करें तो ब्लॉगर में सीधा आप टेबल भी नहीं डाल सकते, टेबल भी आपको यहाँ पर HTML के थ्रू या वो सब चीज़ों के थ्रू, कोडिंग के थ्रू बनानी पड़ेगी। बट यहाँ पर आपको ये क्या होगा, वर्डप्रेस में क्या होगा, एक प्लगइन होगा या फिर एक कोई ऐसा प्रीमियम प्लगइन होगा या कोई टूल होगा जिसके थ्रू आप वन क्लिक में ऐसी टेबल बना सकते हैं। ऐसे ये देखो बटन पे ये जो इफेक्ट मिल रहे हैं आपको, ऐसे इफेक्ट डाल सकते हो, ऐसी इमेजेस, ऐसे टेम्पलेट डाल सकते हो। बट ये चीज़ें आपको वहाँ पर अगर आपको ब्लॉगर में करनी है तो बहुत ज़्यादा आपको कोडिंग नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ है, जैसे देखो यहाँ पर ये जो प्रोज एंड कॉन्स दिख रहे हैं, यही अगर आप ब्लॉगर में बनाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी चीज़ आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी आप कह सकते हो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ब्लॉगर का। तीसरी चीज़, लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर ब्लॉगर में सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, यानी कि अगर आप थीम भी करोगे तो उसे बहुत ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर पाओगे, और अगर प्लगइन वगैरह
वगैरह तो पहली बात आप यूज ही नहीं कर सकते, तो लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड चीजों के साथ आप बंद जाओगे कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं कर पाओगे। ऑल एंड ऑल आपको यहाँ पर कोडिंग नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं अगले डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इशूज इन अपडेटिंग। सो अगर आप देखो ब्लॉगर में जब भी आप कोई पोस्ट डालते हो तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ये जो है डेट मंथ ईयर और यहाँ पर डॉट एचटीएमएल मिलता है। वहीं अगर ब्लॉगर का परमालिंक बात करें तो सीधा नॉर्मल सा परमालिंक है और यहाँ पर जैसे ये देखो, यहाँ पर ये जो पब्लिश डेट है इसे आप चेंज नहीं कर सकते या अपडेट करोगे तो भी पुरानी आएगी। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका परमालिंक का है कि यहाँ पर इसे आप परमालिंक अगर डालते हो तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इस डेट को डाली, 2-3 महीने बाद कोई बंदा आएगा तो उसे यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये इस डेट को पोस्ट डली थी और फ्रेशनेस वाली बात मतलब नहीं रहेगी। वहीं अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस में, तो वर्डप्रेस में आप कभी भी अपनी पब्लिशिंग डेट या लास्ट अपडेट करके उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि कंटेंट को फ्रेश डाल सकते हो, नई पब्लिश डेट के साथ डाल सकते हो। तो ये मतलब वर्डप्रेस के कुछ एडवांटेज हैं जो ब्लॉगर में आपको नहीं मिलते हैं, ब्लॉगर में लिमिटेड कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपके ओवरऑल अर्निंग पर, आपके कन्वर्जन पर, आपके जो अर्निंग रिसोर्सेज हैं उन पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि एफिलिएट के लिए या अमेजोन एफिलिएट के लिए या कोई भी एफिलिएट के लिए आप ब्लॉगर को ट्राई करो। बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिनमें आपको बताया होगा ब्लॉगर से, वहाँ पर सबसे पहली बात फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर आप वर्डप्रेस में भी देखते हो तो बहुत सी वेबसाइट में ऐसे ये जो है ये बटन लगाए हुए होते हैं, यहाँ पर कूपन कोड दिए होते हैं। तो वो चीज़ आप ब्लॉगर में कैसे करोगे? ब्लॉगर में कूपन कोड लगाने के लिए, वो पूरा टेम्पलेट बनाने के लिए आपको कोडिंग कोडिंग और कोडिंग ही है जो आपको ब्लॉगर में सर्वाइव करा सकती है। और आपको पता है कोडिंग में आपका कितना टाइम लगेगा, वही चीज़ आपको वर्डप्रेस में प्लगइन थीम्स की मदद से मिल जाती है। तो अगले अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, लेस एसईओ बेनिफिट इन ब्लॉगर, वही मैं बता रहा हूं कि जैसे ऑन पेज एसईओ होता है वर्डप्रेस में आप रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की मदद से कर सकते हो, वही चीज़ आपको ब्लॉगर में मैन्युअली करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें खुद देखनी पड़ेंगी, फोकस कीवर्ड लगा है नहीं लगा। और उसके बाद अगले डिसएडवांटेज की बात करूँ तो नो प्रॉपर कस्टमाइजेशन अवेलेबल, वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे अगर आप देखोगे वर्डप्रेस में इस वेबसाइट का मैं होम पेज का अगर जाऊँ और इस वेबसाइट का अगर मैं होम पेज जाऊँ तो जैसा मर्जी चाहो वर्डप्रेस में वैसा आप होम पेज अपनी अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनका होम पेज डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा होम पेज है और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये देखो ये एक ऐसा होम पेज है, और अगर मैं अपनी ही वेबसाइट अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं bloggingqna.com तो उसका होम पेज कुछ अलग ही है, मतलब प्रोफेशनल है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ वर्डप्रेस में ही पॉसिबल है क्योंकि वर्डप्रेस में आपको प्रीमियम थीम्स अमेजिंग थीम्स, देखो ये वाली जो ऐसी वेबसाइट है ये आप ब्लॉगर में नहीं बना सकते ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट, क्योंकि वहाँ पर इंटीग्रेशन के प्लगइन लगाने के थीम लगाने के इतने ऑप्शन ही नहीं है। बट वर्डप्रेस में आप जैसा चाहो वैसा मर्जी आप कर सकते हो। सो ये एक और बेनिफिट है वर्डप्रेस का। उसके बाद नो प्लगइन एंड थीम इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने बताया ब्लॉगर में आप ना कोई थीम ना कोई प्लगइन वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो जो चीज़ें प्लगइन की मदद से आप वर्डप्रेस में कुछ मिनटों में कर सकते हो वही चीज़ आपको ब्लॉगर में कोडिंग से करनी पड़ेगी। सो गाइज यही थे कुछ मेन डिसएडवांटेज। तो ओवरऑल ये जो डिसएडवांटेज है ना, ओवरऑल इनसे आपके अमेजोन एफिलिएट या कोई भी एफिलिएट वेबसाइट के कन्वर्जन पे भी फ़र्क पड़ेगा। जहां आपको वर्डप्रेस पे यूज़ करने पे एक दिन का $20-$30-$50 कमाओगे, वहीं आप ये ब्लॉगर पर करते हो तो वो सिर्फ $4-$5 पर ही यहाँ पर हो जाएगा। सो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, हार्डली 4,000-5,000 रुपये लगते हैं एक साल के वर्डप्रेस पर सेल्फ होस्टेड वेबसाइट बनाने के लिए। सो इन्वेस्ट करो, थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो उसका कन्वर्जन रेट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सो मेरा सजेशन यही है कि ब्लॉगर पर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप कोई भी एफिलिएट वेबसाइट रन करो, क्योंकि जो कोड्स वगैरह, कूपन कोड्स, इफेक्ट्स, बटन्स, टेबल जो आपको वर्डप्रेस में ईजिली कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर ब्लॉगर में बहुत मुश्किल से होने वाली है। सो गाइज ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस में से कौन सा आपको चूज़ करना है अमेजोन एफिलिएट या कोई भी एफिलिएट वेबसाइट के लिए। सो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।